So, hello, namaste, and welcome back to my channel. I'm Prashant. After a very long time, I'm saying this. I'm so happy. आज है 26 मार्च. आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं. हैप्पी होली. आई होप आप सबने बहुत मजे किए होंगे. मैंने पार्क में थोड़ी बहुत होली खेली, ज्यादा नहीं खेली इस बार मैंने, बिकॉज हम आए आज त्र्यंबकेश्वर, आई मीन नासिक. त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन करने हम आए आज नासिक, जहाँ पे रामायण से जुड़ी बहुत सारी कथाएं हैं. माई रूम लुक्स लाइक वेरी क्यूट, वेरी स्वीट. आई लव माई रूम. सो या लव्ड इट. स्मॉल एंड क्यूट रूम, बढ़िया रूम है. त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन करने फाइनली मेरा तीसरा ज्योतिर्लिंग. आई एम वेरी एक्साइटेड राइट नाउ. इट्स अराउंड 11:30 AM. तो जल्दी से तैयार होते हैं बिकॉज ऑटो वाले भैया नीचे आ चुके हैं. कपड़े चेंज करना, नहा के आना है मुझे, फिर से फिर निकलते हैं. एंड ये है मेरा बाथरूम, क्यूट कोजी छोटा सा. लेट्स गो. तीसरा ज्योतिर्लिंग, आई एम वेरी एक्साइटेड गाइज. ब्लॉग अगर आपने बहुत टाइम बाद देख रहे हो तो थैंक यू सो मच. नहीं पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, एंगेजमेंट बढ़ाओ, बिकॉज आई एम ब्लॉगिंग आफ्टर लाइक 6 months. मैं शायद दिवाली से कुछ ब्लॉग ही नहीं. लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, बाय. सो मैं भैया पक्षा लौटा बैठ गया हूँ. 12:10 हो रहे हैं इस वक्त. एंड बहुत बढ़िया भैया है भाई, मैं इनका नंबर डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में. किसी को नासिक में दर्शन करना हो भैया से कॉन्टेक्ट कर लेना. एक नंबर भैया आपको ज्योतिर्लिंग ले जाएंगे. भैया आपको शायद नासिक फोन के दर्शन करा दें. आई हैव नो आइडिया. आए वेज अरोमा, कम टाइम विद नेचर. इट्स 108. बैक टू ऑटो. हम जा रहे हैं सीधा त्र्यंबकेश्वर मंदिर की ओर. बहुत बढ़िया खाना, मजा है, पेट भर गया. अंजलि पर्वत है ना? हाँ, वही है. गर्मी ऊपर तक जाना तो भाई बहुत मुश्किल है. यहाँ पे लोग ट्रैकिंग करके ऊपर भी जाते हैं, बट अभी बहुत गर्मी है तो अभी मज़ा नहीं है जाने का. जुलाई अगस्त में अगर हम आ सकते हैं तो हम ट्रैकिंग में जा सकते हैं ऊपर, तभी मज़ा आएगा जब बारिश आएगी. ऑलमोस्ट प्लान बन गया था ट्रैकिंग करने के ऊपर तक का, बट मैं लास्ट मिनट कैंसिल कर दिया बिकॉज बहुत गर्मी है यहाँ पे, बहुत बुरी वाली. कल प्लान था कि भंगिरी पर्वत के गले अंजलि पर्वत पर ट्रैक करने का, तो वो झंडा लगाया जा रहा. ये है सामने हनुमान जी की मूर्ति जो अंजनी पर्वत पर है. एंड भाई क्या मेडिटेशन करा मैंने यहाँ बैठ के, इतना बढ़िया लगा, शांत एकदम. कितनी बड़ी प्रतिमा आ रही है, इतना बढ़िया लग रही है मूर्ति. आ रही वाओ, लव्ड इट. इट्स 152. Time to go back. Let's go. अब चलते सीधा त्र्यंबकेश्वर मंदिर की ओर. हर हर महादेव. भाई आज मंगलवार का दिन था. चलो भैया इतने बड़े दर्शन हो गए, बहुत बड़े दर्शन. मंगलवार के दिन इतने बड़े दर्शन हो गए, मजा आ गया. भैया पूरा पानी वाटरफॉल बन जाता होगा पूरा, कितना बड़े दिखता होगा. सामने वाला है ब्रह्मगिरी पर्वत, जहाँ से अपनी गोदावरी मैया का वो होता होगा. त्र्यंबकेश्वर मंदिर में आपका हार्दिक स्वागत है. त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन, मेन दर्शन हमारे ये है. डोनेशन दर्शन फास्ट लेना है, 200 वाले दर्शन करेंगे हम. डोनेशन वाले दर्शन लाइक जो फास्ट लेना दर्शन है. तबीयत बहुत कम भीड़ है, बहुत कम भीड़ है आज. वो सादा भीड़ है, सादा लाइन वाली. गूज़बम्स आ रहे हैं इस वक्त. मेरा फाइनली तीसरा ज्योतिर्लिंग होने वाला है. I'm so excited. मेरी हार्ट बीट बढ़ गई पता नहीं क्यों, जैसे जैसे करीब आ रहा हूँ मेरी हार्ट बीट बढ़ती आ रही है. शंभो शिव शंभो. चेहरे में स्माइल देख रहा हूँ लॉन्डे की, स्माइल मार रहा है. सो ये है डोनेशन की रिसीप्ट. सो
donation se we are inside and it's cloudy. It's cloudy and that's the temple right there. फोटो खींचे पहले यार फोटो नहीं आ रही है सोलह में ये दिक्कत है फोटो नहीं आती ये रहा टेंपल बिहाइंड मी एंड ये है दर्शन वाली लाइन सो यहाँ तक भीड़ है इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ फोटो खींचता हूँ टेंपल शंभो शिव शंभो एंड ये है वो लाइन चलो चलते हैं लाइन में आगे मैं अच्छा थोड़ा गीला गीला कर रखा है यार इतने पैर जल रहे थे ना मेरे तो ये है पूरी भीड़ डोनेशन लाइन की शायद मेरे ख्याल से एंड देखो यहाँ लोग बैठे हैं इट्स वेरी क्राउडेड राइट नाउ इट्स वेरी क्राउडेड 3 o'clock राइट नाउ है वहाँ से इधर आ चुके हैं ऐसे ऐसे पूरा होते होते एंड नाउ स्टिल वी हैव लाइक आधा घंटा और लगे मुझे वहाँ पहुँचते पहुँचते आई थिंक सो डोनेशन वाली लाइन डोनेशन वाली तब जाके इतनी भीड़ है यहाँ पे एंड इससे कोई फास्ट लाइन यहाँ पे है ही नहीं इतनी भीड़ में तो खड़ा होना पड़ेगा महादेव से मिलना है तो ये लाइन पूरी देखो वहाँ तक जा रही है ये रही सो यार वी आर स्टिल वेटिंग अराउंड 3 o'clock और यहाँ पे घड़ी भी नहीं लगी है सो इट्स 3:20 अराउंड राइट नाउ एंड थोड़ी आगे आ चुके हैं हम वी हैव टू गो टिल देयर सो यहाँ से अभी हमें पूरा उधर होते हुए जाना है वहाँ तक वहाँ से सीधा अंदर सॉरी सो वहाँ जाना है सो यार एटलीस्ट यहाँ पे बैठने का पानी लेके आना कुछ खाने के लिए लेके आना यार मैं बैग का ध्यान रखना मैं अपना बैग बाहर रख के आया हूँ बैग की बहुत टेंशन हो रही है मेरे क्योंकि बैग में मेरा सब कुछ रखा हुआ है आई कार्ड वाई कार्ड क्रेडिट कार्ड एंड ऑल दीज थिंग्स एंड मैं लॉकर में रख तो दिया बट लॉकर उनके जाला टाइप का बस एक सो थोड़ा एक रिस्क है बट ठीक है एक्चुअली इट्स 3:30 एंड ऑलमोस्ट ये बच्ची हमारी आखिरी लाइन फिर वहाँ से हम कॉमन लाइन में कनेक्ट हो जाएंगे एंड हियर इज द टेंपल मैन सो गुड अप्रॉक्स हमें 1.5 घंटा हो गया 2 बजे का आए हम 3:30 चार बजे तक नंबर आ जाएगा शायद हर हर महादेव भाई मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं इसमें बहुत वेरी एक्साइटेड आ चुके हैं मेन लाइन में कनेक्ट हो चुके हैं एंड थोड़ा दूर और है बस अब ये रहा मंदिर फाइनली थोड़े दर्शन में स्टार्ट हुए सो ऐसा कुछ टेंपल है पूरा पूरा डोम शेप का मंदिर है सो फाइनली दर्शन हो गए हमारे बहुत अच्छे एंड बहुत जल्दी जल्दी हो गए अच्छे से आप फोटोज लेते हैं एक दो फिर निकलते हैं तो ये है फाइनली टेंपल 3 ज्योतिर्लिंग पूरे ये खुशी हो रही है feeling so grateful right now. So finally it's time to go. चलते हैं यहाँ से एंड बहुत बड़े दर्शन हो गए हमारे बहुत अच्छा लगा बहुत सुकून मिला चलो लेट्स गो थोड़ी देर बैठते हैं यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है सुकून I'm just sitting here, chilling. इस मंदिर के दर्शन कर रहा हूँ मेरा मन ही नहीं लगाने का ऐसा इतना बढ़िया लग रहा है मुझे काम और पीस फील हो रहा है माय गॉड आई एम लविंग दिस मैन लविंग दिस कैन नॉट गेट इनफ ऑफ दिस मैन ही नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का भाई मेरा मन ही नहीं कर रहा है बिल्कुल मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का यार बट वी हैव टू गो नो चॉइस घंटे बाद पानी क्या होता है अब जो पानी मिलेगा मज़ा आ जाएंगे गन्ने के जूस की बहुत ज़रूरत थी मुझे एक 2 बजे गए हुए 4:30 बज रहे 2.5 घंटे में फाइनली दर्शन हो गए हमारे एंड बहुत अच्छे दर्शन हुए बहुत भीड़ मुझे तो लग रहा था फ्री वाले में जल्दी दर्शन हो जाते हैं हमारे है ना बहुत बहुत भीड़ थी आज एंड गोइंग बैक टू नासिक सो ये है नासिक सिटी सेंटर मॉल घूमते हैं कुछ खाते पीते हैं और क्या फिर रामगढ़ चलेंगे भाई अपनी इवनिंग एंड करेंगे पूरी आज का दिन
भाई ले तो लिया, खाऊं कैसे। थैंक यू सो मच। सो इट्स 9:30 एंड आई एम बैक टू रामकुंड। यहाँ थोड़ा बढ़िया आधा घंटा बैठते हैं। हाँ सो इट्स 10:00 राइट नाउ एंड माय गॉड भाई कितना शांत और कितना पीस फील हो रहा है। वाइब्स ही बता पाएंगे आपको, बस इतना बढ़िया फील हो रहा है ना, आप कैमरे में समझ ही नहीं सकते हो कभी, इतनी बढ़िया वाइब्स आ रही हैं एंड आई एम लविंग दिस टोटली। यहाँ पे मैं लाइक दो तीन टाउन आई एम एंजॉइंग माई सेल्फ एंड इंट्रोस्पेक्टिंग माई सेल्फ, लविंग इट टोटली मैन। एक सोलो ट्रिप यार पता है होना चाहिए महीने में एक बार, बहुत ज़रूरी है। लविंग दिस टोटली एंड आई हैव नो आइडिया व्लॉग कैसा बन रहा बिकॉज बहुत टाइम बाद मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, इसलिए मैं ट्रैवल पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ नॉट व्लॉग। एंड फाइनली आई एम बैक। एक्चुअली मैं 6 बजे आ गया था, सुबह 7:30 बज रहे हैं इस वक्त। थोड़ी देर मैंने आराम किया लेट अप बिकॉज सुबह से भागा दौड़ी कर रहा था बस। अब मैं जा रहा हूँ नासिक सिटी सेंटर मॉल और थोड़ी देर पर रामकुंड बैठ के अपनी इवनिंग करूँगा खत्म। सो गाइज व्लॉग अच्छा लगा हो डोंट फॉरगेट टू दिस वीडियो लाइक एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू लाइक इट। डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर तीनों के लिए नीचे जाओ मुझे फॉलो करो एंड आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट व्लॉग। जय हिंद वंदे मातरम। अपने आसपास फैमिली रखें प्लीज, अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखें। मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में।